एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर जो है हम 2.3 पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग जो है अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को देख लें, प्ले लिस्ट में जाएँ, जो है क्लास 10th NCERT इंग्लिश मीडियम करके मैंने बना रखा है, तो उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहा है। जो पहला जो क्वेश्चन है उसने ये कहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं, पी एक्स, ठीक है, डिवाइड करने हैं हमें पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या दिया हुआ है, उसमें आपका जो है पी एक्स जो दिया हुआ है वो है पी एक्स जो गिवन है वो है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस, ठीक है। और जो जी एक्स है वो आपका गिवन है x² माइनस, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए हम डिवाइड करना है और लास्ट में हमें बताना है क्वेश्चन और उसका रिमाइंडर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का रूल क्या था कि हम जो है पूरा डिवाइड का जो प्रोसेस होता है जैसे बनाते हैं वैसे हम बस वो लिखेंगे, ठीक। तो इसमें हमारा आ जाएगा x³ माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक एक करके जो है क्या करेंगे, x² है यहाँ पे x³ है, तो हम देखिए इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा x आएगा, तो x को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस x से हम क्या करेंगे, इस पूरे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, अब माइनस का 2x आ रहा है, जब गुणा करेंगे इस x से इस पूरे x² माइनस 2 को, तो हमारा x³ माइनस 2x आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस में क्या होना है, 3x² वाला टर्म है और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, पावर में 1 है, तो 1 वाले टर्म के साथ लिखना है, तो ये 1 वाला टर्म है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा काम और करेंगे, जो है जो पावर में जिस प्रकार से है उस प्रकार से लेकर के हम उसको जो है लिखेंगे। तो उसको हम यहाँ से करेंगे रफ करके हम जो है लिखेंगे इसको माइनस का 2x को इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए कैसे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच रहा है, माइनस का 3x² बच रहा है, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7x माइनस का 3। अब देखिए इस वाले के पहले टर्म से इस वाले के पहले टर्म को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, तो 3 माइनस का 3x², तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को हम इसके साथ लिख देंगे, प्लस का 6, ठीक, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस का 7x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 9, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास देखिए इसका जो पावर है वो हमारा 1 है, इसका पावर जो है 2, तो हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हैंस हम यहाँ पर जो है बात कर सकते हैं पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चेंट और उसका रिमाइंडर, क्योंकि यही चीज़ पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो हैंस कोशेंट, कोशेंट कितना आया, एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 7x माइनस का 9, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए पी एक्स जो है वो हमारा गिवन है, पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5, और साथ में जी एक्स आपका गिवन है, जी एक्स जो है x² माइनस एक्स और प्लस का जो है 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 1, ठीक है, हाँ ठीक, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा जी एक्स को दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए इसको इस फॉर्म में दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं बस इसको सही फॉर्म में लिख दिया था, हालांकि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे जो दिया हुआ वही लिख देता हूँ मैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जनरली हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो थोड़ा सा हम इसको सही से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए डिवीजन का जो प्रॉपर रूल होता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हम माइनस का एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, माइनस का एक्स प्लस का वन, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल को लिखने का ही तरीका होता है, आपको पता होगा, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखिए वही सेम रूल, इसका पहले वाले टाइम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन एक्स क्यूब वाला टर्म है नहीं तो हम इसको साइड में रख लेते हैं, माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का। अब वही सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस का है लेकिन ये हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का था प्लस हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लेते हैं पहले, क्योंकि बड़े वाले टर्म को पहले लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा फोर एक्स प्लस का हो जाएगा फाइव। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, क्या है देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स हो जाएगा प्लस का, तो एक्स से करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और इसको करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स, फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है तो हम जनरली माइनस थ्री से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा थ्री एक्स और माइनस का थ्री, तो क्या बच रहा है अल्टीमेटली देखिए, प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, ये एट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या इसमें मिल गया है, तो हम डायरेक्टली इसमें कह सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्या होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है ना आप लोग वैसे लिख लेना, तो ये जो हमारा है ये हमारा है क्यू, और ये जो हमारा आया है ये है हमारा रिमाइंडर, ठीक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है पी एक्स दिया हुआ है आपका, पी एक्स आपका है एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जो जी एक्स है वो भी हमारे पास गिवन है और वो दिया है टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमें डिवाइड करना है तो सेम वही चीज़ है, अब देखो इसको भी हम सही से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू, और यहाँ से ये हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस का वन। देखिए माइनस एक्स की स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करेंगे इसमें तो प्लस का एक्स की पावर फोर और माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का माइनस का फाइव एक्स, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि इसका कोई ऊपर है नहीं, प्लस का वन, फिर यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू आना है सिंपली, तो माइनस का टू से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा, अच्छा माइनस का टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का टू टू ज़र फोर, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर आ जाएगा, ठीक है, माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ इन जनरली माइनस होना है, तो ये कट जाएगा हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो गया, तो ये ज़ीरो आ गया, माइनस का फाइव एक्स और प्लस का फाइव, तो ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, तो जनरली हम इसको देखते हैं ये हमारा क्या है क्वेशेंट है, ये हमारा क्या है क्वेशेंट है, और ये जो हमारे पास आ रखा है ये क्या है रिमाइंडर है। तो आई थिंक अब लोगों को पहला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, प्रीवियस के जो वीडियो लेक्चर है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को सही लगता है ना, देखिए हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट में क्या करना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ इस पॉइंट पर बता दीजिए, साथ में थोड़ा टाइम भी लिख देना ताकि मुझे वीडियो को फाइंड करने में थोड़ा आसानी हो जाए कि कितने मिनट कितने सेकंड में है ना, तो इस प्रकार से। अच्छा उसके बाद अगर सही लग गया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक। तो ये काम आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा,
मुझे भी आप लोगों के लिए समझ में आए कि किस प्रकार से आगे वीडियोस लाने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।